नमस्कार, स्वागत है आपका G3 में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिले। इस बार का G3 कई मायनों में खास है। इस बार हुंडई एक्सेंट की टेस्ट ड्राइव हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा बताएंगे फ्यूचर में किस तरह की बाइक्स आने वाली हैं, साथ ही बात होगी LG के नए फोन G6 की और बताएंगे कैसा है ऑनर 8 प्रो। ये तमाम खबरें, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं LG के नए फोन के साथ। LG का नया फोन LG G6 कैसा है? ये LG का एक फ्लैगशिप फोन है, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि LG G5 के बाद ये फोन इस कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि G5 कंपनी को इतनी कामयाबी नहीं दिला पाया था, तो G6 से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं LG को। LG G6 स्मार्टफोन को सबसे पहले कंपनी ने फरवरी में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2017 इवेंट में लॉन्च किया था। ये फोन एंड्रॉइड 7.0 नूगा पर चलता है। LG G6 UX 6.0 स्क्रीन के साथ आने वाला कंपनी का पहला स्मार्टफोन है। फोन में 5.7 इंच का क्वाड HD प्लस फुल विजन डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। हैंडसेट में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही मौजूद है 4GB LPDDR4 रैम। स्टोरेज के लिहाज से LG G6 के दो वेरिएंट होंगे। आप 32GB या 64GB स्टोरेज में से एक को चुन सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट 2TB तक माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट भी करते हैं। हैंडसेट में डुअल रियर कैमरा है। पहला कैमरा 13 मेगापिक्सल के वाइड सेंसर के साथ आता है, जिसमें अपर्चर 2.4 का इस्तेमाल किया गया है। वहीं दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल के स्टैंडर्ड सेंसर के साथ आता है, जो कि 1.8 अपर्चर के साथ लैस है। फ्रंट पैनल पर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जिसे की बढ़ाया जा सकता था। फोन की बैटरी 3300 mAh की है। हैंडसेट 7.9 मिलीमीटर पतला है, इसे और थिक किया जा सकता था। वहीं फोन का वजन 163 ग्राम है, जो कि तारीफ के काबिल है। कनेक्टिविटी फीचर में वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC और USB Type-C 2.0 का इस्तेमाल किया गया है। फोन में एक फिंगरप्रिंट सेंसर है और क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 को ये फोन सपोर्ट करती है। कंपनी ने G6 के पहले G5 को लॉन्च किया था, जो कि एक मॉड्यूलर फोन था। हालांकि LG G5 कंपनी के लिए एक बड़ा सेटबैक रहा। LG G5 ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फेल साबित हुआ। इसके बाद LG G6 से कंपनी को काफी उम्मीदें हैं। बहरहाल, LG ने ऐलान किया है कि कंपनी अपने LG G6 स्मार्टफोन को उत्तर अमेरिका, एशिया, यूरोप, सेंट्रल और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च कर देगी। फोन की कीमत तकरीबन 50,000 रुपए के आसपास रह सकती है। टीम न्यूज नेशन। हुंडई एक्सेंट हुंडई की एक कामयाब कार मानी जाती है, कामयाब मिड रेंज सेडान मानी जाती है। लेकिन हुंडई को फेसलिफ्ट कर दिया गया है, इसके डिजाइन में बदलाव कर दिया गया है। लेकिन क्या गाड़ी के परफॉर्मेंस में भी फर्क आया है? हमने इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव किया। G3 में आज बात एक ऐसी कार की, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि इस कीमत में सेडान सेगमेंट में इससे ज्यादा फीचर किसी में नहीं हो सकते। क्या ये दावे सही हैं और क्या हुंडई के दावों में नई एक्सेंट को लेकर कुछ सच्चाई भी है? इसको समझने के लिए कार का टेस्ट ड्राइव करना जरूरी है। तो अगर आप नई एक्सेंट खरीदने का मन बना रहे हैं, तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये बेस्ट डील है भी या नहीं। कोरियन कार कंपनी हुंडई ने अपनी एसेंट में काफी प्रयोग किए। हुंडई की एसेंट करीब 10 सालों तक भारतीय सड़कों पर राज करती रही, उसके बाद इसका नाम बदलकर एक्सेंट कर दिया गया। एक्सेंट मतलब एक्स फैक्टर, क्योंकि एरोडायनेमिक शेप, तमाम ऐसे फीचर्स जो कि पुरानी कारों में नहीं हुआ करते थे, वो डालने की कोशिश की गई और उसके बाद नई एक्सेंट अब भारतीय बाजार में आ चुकी है। ये है नई एक्सेंट, यानी कि पहले की एक्सेंट में कुछ बदलाव किए गए। वो बदलाव आखिर क्या लोगों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे? दूसरा ये भी, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और मारुति की डिज़ायर भी भारतीय सड़कों पे आ चुकी है, नई डिज़ायर, उससे ये क्या कम्पीट कर पाएगी या नहीं, और भारतीय के लोगों के लिए ये सेडान यानी कॉम्पैक्ट सेडान कितनी बेहतर साबित होने वाली है। रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो नए बदलाव किए गए हैं फ्रंट लुक से लेकर के रेयर लुक में, और जो इंटीरियर में एड ऑन किए गए हैं फीचर्स, वो आपको पसंद आएंगे या नहीं। Let's check it out, this report. नई एक्सेंट का लुक देखिए। पहले की एक्सेंट में और नई एक्सेंट में लुक में काफी बदलाव किए गए हैं। फ्रंट ग्रिल को बोल्ड किया गया है, क्रोम का खास इस्तेमाल, कर्व ज्यादा दिए गए हैं, जिससे नई एक्सेंट पहले से ज्यादा एरोडायनेमिक हो चुकी है। डायमंड कट LED DRL फॉग लैंप ने इसकी शक्ल बदल दी है। साइड प्रोफाइल भी बेहतर है। वहीं रेयर लुक को बड़ी सेडान के लुक से नवाजा गया है। नई एक्सेंट का डायमेंशन भी जान लीजिए। नई एक्सेंट की लंबाई 3995 mm है, चौड़ाई 1660 mm, ऊंचाई 1520 mm और व्हील बेस 2425 mm है।
बूट स्पेस 407 लीटर है, वहीं ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 47 लीटर है। अब बात एक्सेंट के इंटीरियर फीचर्स और स्पेस की। एक्सेंट के इंटीरियर में पहले के मुकाबले नयापन आपको मिलेगा। 7 इंच टच स्क्रीन जिसमें नेविगेशन सिस्टम और इंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है। स्टीयरिंग में इनबिल्ट ऑप्शंस, स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। तो नई एक्सेंट में इंटीरियर में क्या बदलाव किए गए हैं और वो इंटीरियर के बदलाव क्या आपको पसंद आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं? बहुत सारा बदलाव तो आप इंटीरियर में नहीं देखेंगे, लेकिन काफ़ी यूटिलिटी का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी यूटिलिटी आपको दी गई है। और दूसरा ये कि एक स्क्रीन आपको 7 इंच स्क्रीन यहाँ मिलती है जो काफ़ी बेहतर मानी जा सकती है, थोड़ा सा इन्हांस किया गया, अपग्रेड किया गया है। दूसरा ये कि ब्लू कलर टोन्स जो हैं, जब आप नाइट में सफ़र करेंगे तो ब्लू कलर टोन्स यहाँ हर एक ऑप्शन पर आपको दिखाई देगी, वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। मीटर गेज की अगर बात करें, मीटर गेज में बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है, या फिर डैशबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो डैशबोर्ड में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम और ये स्क्रीन काफ़ी बेहतर मुझे लगी। और दूसरा ये कि नॉब्स में कुछ ऐसे करने की कोशिश की गई है ताकि क्रोम का इस्तेमाल करके इसे खूबसूरत बनाया जा सके। यूटिलिटी के लिए जो पहले स्पेस था उसी तरीके से है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा कंपनी के लिए कि सीट्स को थोड़ा और आरामदायक बनाया जा सकता था। थोड़ा अगर कम्फर्टेबल सीट्स होती तो इसकी कमियाँ जो थी वो थोड़ी दूर हो जाती। ये तो रही फ्रंट लुक की बात, और स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस में कोई कमी ऐसी नज़र नहीं आती आपको। लेग स्पेस और हेड रूम आपको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन पैसेंजर के लिए कार कैसी है वो पीछे चल के देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पीछे आप अगर बैठते हैं तो लंबा सफर तय कर पाएंगे या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। रियर में भी एसी विंड्स की सुविधा है और आर्म रेस्ट भी दिया गया है। तो अब बात रियर की, पैसेंजर सीट पर जब आप बैठते हैं तो आपको कंफर्ट सीट का की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उस लिहाज से अगर हम बात करें इस सीट को थोड़ा सा आगे एडजस्ट किया गया है तो लेग रूम आपको बेहतर मिल जाता है। वैसे नी रूम जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबे सफ़र में आप अपनी टांगें फैला सकें, उसके लिए एक बेहतर उपाय किया जाना चाहिए। लेकिन उस लिहाज से इतना स्पेस आपको नहीं मिलता कि आप बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील कर सकें। दूसरा ये कि कुछ अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे ये लगी कि एयर विंड्स जो है पीछे रेयर में भी दिए गए हैं ताकि आपको थोड़ी सहूलियत मिले, इसको थोड़ा लार्ज किया जा सकता था। और दूसरा ये कि आर्मरेस्ट जो है, आर्मरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप लंबे सफ़र पे जा रहे होते हैं और किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो आपस में शोल्डर्स जो हैं वो टकराते हैं बातचीत करने में, इसलिए थोड़ा सा बीच में डिवाइडेशन हो जाए और बात अच्छे तरीके से हो जाए वो एक अच्छा जेस्चर माना जाता है, वो काफ़ी बेहतर है। और दूसरा ये कि यूटिलिटी के लिए यहाँ पर भी स्पेस आपको मिल जाता है। कुल मिलाकर के गाड़ी के ओवरऑल पैकेज की बात की जाए, इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात की जाए, ठीक ठाक मानी जा सकती है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इस तरह की चीज़ें मिल पाना बहुत मुमकिन नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं और एक लग्जरी सेडान का एहसास भी होता है। इन सबके साथ जरूरी है नई एक्सेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना, जिससे इंजन की क्षमता और रोड पर पकड़ को समझा जा सके। लंबी दूरी तय की नई एक्सेंट के साथ हाईवे पर हमारे साथ थी एक्सेंट पेट्रोल ऑप्शन। तो फाइनली अब हम निकल चुके हैं नई एक्सेंट के सफर पर, और समझने के लिए कि आखिर परफॉर्मेंस किस तरह की है। लंबा सफर तय किया है एक्सेंट ने, और जो एसेंट थी उसको एक्सेंट कर दिया गया, एक्स दे दिया गया, और उसके बाद तब्दीलियां लगातार होती रहीं। नई एक्सेंट जो अभी आई है, लेटेस्ट आई है, उसमें बदलाव इसलिए किए गए क्योंकि जो पुरानी एक्सेंट थी उसमें कुछ एरोडायनेमिक शेप तो था लेकिन लुक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। काफ़ी कड़ा मुकाबला भी था क्योंकि मारुति की डिज़ायर एक सबसे बेहतर कार इस सेगमेंट में मानी जाती है, और उसको कम्पीट करने के लिए कुछ और इनोवेशन करने की ज़रूरत थी हुंडई को, और हुंडई ने वो करके दिखाया। नई एक्सेंट में कुछ ऐसे एरोडायनेमिक शेप दिए हैं जिससे कार आपको थोड़ी पसंद आ सकती है। फ्रंट ग्रिल को बदला है, और फ्रंट ग्रिल जो है काफ़ी बोल्ड रखी गई है, जिस तरह से होंडा की सिटी है उस तरह से देने की कोशिश की गई है। और दूसरा ये कि कुछ बड़े बदलाव जैसे कि टेल लैंप में बदलाव किए गए हैं, वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकते हैं। कार पहले से
बेहतर करने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि कॉम्पिटिशन इस तरह से बढ़ रहा था और सेल्स में गिरावट कहीं ना कहीं एक्सेंट में हो रही थी। इस वजह से कंपनी ने तय किया कि मार्केट में अगर बने रहना है तो बदलाव जरूरी है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में 1.2 लीटर का इंजन है, दोनों में 1.2 लीटर का इंजन मिलेगा आपको डीजल में और पेट्रोल में। 1186 सीसी आपको 1186 सीसी मिलेगा पेट्रोल में और 1197 सीसी मिलेगा आपको डीजल में। डीजल में अगर माइलेज की बात की जाए तो काफ़ी इंप्रेसिव माइलेज आपको मिलेगा, करीब 24.4 KMPL का माइलेज मिलेगा। वहीं पेट्रोल की अगर बात करें तो 19.1 किलोमीटर पर लीटर का दावा किया जा रहा है। ऑटोमेटिक वर्जन की बात करें तो उसमें आपको 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। BHP की बात करें तो 74 BHP आपको मिलेगा डीजल में और वहीं 82 BHP जो मिलेगा वो आपको पेट्रोल में मिलेगा। तो ये स्पेसिफिकेशन है, ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कार में कितना दम है। हुंडई की नई एक्सेंट का माइलेज पेट्रोल में करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर है, वहीं डीजल में माइलेज करीब 25.4 किलोमीटर प्रति लीटर, ऐसा दावा किया जा रहा है और कीमत 5,48,000 से 8,50,000 के बीच। तो कुल मिलाकर के पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक लग्जरी फील का एहसास होता है और काफ़ी सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे लगे मुझे इसमें। तो कुल मिलाकर के एक थम्सअप कार बनाई है, अच्छा है प्रयोग और जो बदलाव किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक माने जा सकते हैं। इस साल इंडिया में कई गाड़ियों को लॉन्च किया जाना है, कई पुरानी गाड़ियों को नया रूप दिया जा रहा है तो कई नई कार बाजार में दस्तक देने को तैयार है। आइए देखते हैं इस साल कौन सी नई गाड़ियां आपको देखने को मिल सकती हैं। G3 में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी कारें जो जल्द बाजार में कदम रखने वाली हैं। आखिर कौन सी कार्स हैं जो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं? छोटी कारों में डटसन भी अपनी कॉम्पैक्ट कार डटसन गो क्रॉस के साथ तैयारी कर रही है आने की। गो क्रॉस एक कॉम्पैक्ट हैचबैक कार होगी और इसे फेसलिफ्ट करके लॉन्च करने की तैयारी है और इसकी कीमत 4 से 4.5 लाख के बीच होने की उम्मीद है। टाटा नेक्सन जो टाटा की छोटी लेकिन काफी खूबसूरत कारों में से एक है, उसे भी लॉन्च करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। टाटा टैगोर की लॉन्चिंग के बाद अब नेक्सन की लॉन्चिंग जल्द होने वाली है। माना जा रहा है कि नई नेक्सन को जुलाई में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 6.5 लाख से 9 लाख के बीच हो सकती है। टाटा इसे मारुति बलिनो के तोड़ के लिए लाने की प्लानिंग कर रही है। लग्जरी कारों में वॉल्वो भी नई वॉल्वो S60 पॉलिस्टर लाने की तैयारी में है। इस लग्जरी कार में कई खूबियां हैं, हालांकि डिजाइन पहले की S60 जैसा है लेकिन हाईटेक फीचर्स के साथ नई वॉल्वो S60 को लैस किया गया है। इस कार को 14 अप्रैल को लॉन्च कर दिया जाएगा, हालांकि इसकी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है। मारुति भी अपने S-Cross मॉडल को फेसलिफ्ट करके लॉन्च करने की प्लानिंग में है। माना जा रहा है कि नई S-Cross को बोल्ड फील देने की तैयारी की गई है। इसके लिए आपको अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। गाड़ी की कीमत 8 लाख से ज्यादा रखी जाएगी। तो ये थी टॉप कार्स जो 2017 में आपके लिए ऑप्शन के तौर पर आने वाली है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। भविष्य में ऐसे बाइक्स आने वाली हैं जो न गिरेंगी ना उनसे दुर्घटना का खतरा होगा, जो खुद ब खुद चलेंगी, जो स्पीड भी खुद तय करेंगे और जिनमें ब्रेक्स भी खुद से लगा करेंगे। तो इन बाइक्स का कंट्रोल कैसा होगा, फ्यूचर में किस तरह की बाइक्स आने वाली हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या आप चाहते हैं एक ऐसी बाइक जिसके लिए नदियां या समंदर कोई बाधा ना हो, या फिर एक ऐसी बाइक जो जंगल सफारी की सैर करा सके, या ऐसी बाइक जो आपका रोबोट चलाए और आप बस बैठकर मजे लें, या फिर एक ऐसी बाइक जो आपको बिल्कुल सेफ रखे। आज दुनिया में बाइक्स को नया रूप देने के लिए काफी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लुक से लेकर परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश जन्म दे रही है नई तकनीक को। आज आपके लिए कुछ ऐसी बाइक्स की बात जो भविष्य में बाइकिंग की तस्वीर को बदल कर रख देगी। सबसे पहले बात BMW की आइकॉनिक फ्यूचर जनरेशन बाइक की। जरा इस बाइक पर नजर डालिए, यह है BMW मोटार्ड विजन 100, जिसे BMW ने अपने टेस्ट ड्राइव साइट पर भी टेस्ट कर लिया है।
BMW Vision Next 100 सेल्फ बैलेंसिंग तकनीक पर काम करती है। ये सबसे सेफ तकनीक है जिसमें बाइक से गिरना या फिर एक्सीडेंट होना लगभग नामुमकिन होता है क्योंकि बाइक अपना बैलेंस खुद बनाती है। कंपनी ने अभी बाइक की स्पीड या फिर इंजन के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन 2021 तक कंपनी का इरादा इसे बाजार में उतारने का है। विजन नेक्स्ट बाइक के साथ एक अलग तरह की ड्रेस को भी डिजाइन किया गया है, साथ में मल्टी इन्फॉर्मेशन सनग्लासेस भी हैं, जो आपको रोड साइड की सारी जानकारी देते हैं। कंपनी का दावा है कि बाइक इतनी सेफ है कि इसमें हेलमेट की जरूरत नहीं। कंपनी इसके इलेक्ट्रिक वर्जन पर काम कर रही है जिससे इसे फुली इलेक्ट्रिक बनाया जा सके, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर एक बार चार्ज करने में हो और टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा कई बाइक्स कंपनियां ऐसी तकनीक पर काम कर रही हैं जो बैलेंसिंग को सेंस करती हैं। जरा इसका प्रोटोटाइप बाइक देखिए। यह है कवर्ड बाइक जो किसी कार की तरह है लेकिन है टू व्हीलर। एक्सीडेंट होने पर भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा, इसे लेकर परीक्षण भी चल रहे हैं। बेजोड़ तकनीक की बदौलत बैलेंसिंग तकनीक को सेंसर से जोड़ा जा सका। अब इस बाइक को देखिए, एक पहिए पर दौड़ती बाइक जो सेंसर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसके लिए किसी बड़ी पार्किंग की जरूरत नहीं। इसके छोटे साइज से बड़ा कमाल देखिए जो किसी को चौंकाने पर मजबूर कर देगा। तो ये है भविष्य की बाइक्स जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े बदलाव करने वाली है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते हमारी मुलाकात फिर से होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।